हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडारे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी फॉर्म सबमिट हो चुके हैं सारे, है ना। डीएमई के जो फॉर्म निकले हुए हैं वो सबमिट हो चुके हैं। देन इसके साथ ही जो अभी हमारे डीएमई के एग्जाम होने वाला है 17-18 तारीख को, इसके रिगार्डिंग आप सभी लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, जो भी सब कुछ है ना, कैटेगरी वाइज सारा। सो गाइस, इसमें मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस बार कितना जा सकता है। लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि लास्ट ईयर में किस तरीके से गया था, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था और किस तरीके से काउंसलिंग हुई थी। इसके साथ ही मैं अभी एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको कट ऑफ बता दूं, ताकि आपको ये श्योर रहे कि आपको किस तरीके से मार्क्स लेने हैं, यानी कि आपको कैटेगरी वाइज ऐसा रहे कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा ही मार्क्स लेने हैं ताकि मेरा क्वालिफाइड हो पाऊँ मैं, ठीक है। इसके साथ ही जो मैंने प्रीवियस वाले इसमें जो कट ऑफ बताया था वो आप लोगों ने देखा, पर आप लोगों को शायद उसमें क्लियर नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है क्या। सो गाइस देखो, वो प्रीवियस वाला था और इस बार जो होने वाला है उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लाइक जो एग्जाम है वो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, ओनली बीएससी नर्सिंग है, जेएनएम बंद हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। तो जो कट ऑफ ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए जाने वाला है, ठीक है, और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। इसके साथ ही जो एग्जाम का जो लेवल आने वाला है इस बार वो टफ हो सकता है। देन अगर 4 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं तो चारों पेपर का हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा पेपर टफ हो सकता है, किस शिफ्ट का टफ होगा, किस शिफ्ट का इजी होगा, क्योंकि इस तरीके से होता है कि किसी शिफ्ट का पेपर इजी आ जाता है और किसी के शिफ्ट का पेपर टफ। तो इनको ये जो 4 पेपर होते हैं उनका सारा मेंटेन करके जो परसेंटेज निकलता है इसके बाद जो अपना जो रिजल्ट बन के आता है उसमें बहुत गड़बड़ी होती है, ठीक है। लाइक कि कभी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जा सकता है या लो भी हो सकता है। तो ये पेपर की टफ, पेपर कितना टफ है उस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ किस तरीके से जाएगा। पर फिर भी मैं आपको यह कट ऑफ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने आप को क्लियर रख सके कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं अपलोड करते रहती हूँ। पर आप लोगों बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक विजिट ही नहीं किया है वहाँ, खैर ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इसलिए, ओके। देन साथ अगर आपको कोई डाउट हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मैं दे चुकी हूँ अपनी। साथ ही जो भी नंबर वगैरह वाला इशू था मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था कि ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगी, ओके। सो वीडियो में आगे बढ़ती हूँ, मैं आपको सारा कट ऑफ बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कट ऑफ कितना जा सकता है, ओके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो जनरल कैटेगरी का हमेशा का कट ऑफ जो होता है हाई जाता है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होती है जो कि सबसे ज़्यादा उनको मार्क्स की ज़रूरत होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो डीएमई के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, अगर आप डीएमई क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको उसमें नंबर चाहिए 85 to 90 something, ठीक है, यानी 90 आप मान के चलो कि आपके मार्क्स 90 आने चाहिए, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर होगा, अगर आपके स्क्रीन पे 90 मार्क्स शो भी होते हैं तो या तो ये बढ़ भी सकते हैं, आपका पेपर किस तरीके से टफ है या इजी था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ भी सकते हैं, पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। अगर आपका टफ है और दूसरा इजी है तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस वो करते हैं, उसके बाद जो उनका जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा बढ़ा देते हैं कि हाँ इनका टफ था तो इनको थोड़ा प्लस पॉइंट दिया जाए, इस तरीके से होता है, हमारे टाइम हुआ है इसलिए मुझे पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। सो अगर आप 90 मार्क्स लेते हैं, इससे कम भी आपके आते हैं जनरल वालों के, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, ओके। सो आपको समथिंग 90 मार्क्स मान के चल रहे हैं कि आपको इतने लेने ही हैं। देन इसके बाद बात आती है ओबीसी वालों की, सो ओबीसी वाले जो होंगे वो 80 to 85 में समथिंग चल सकते हैं कि हाँ 80 to 85 है इनके, तो उनको उनका सिलेक्शन हो सकता है डीएमई में। याद रखना कि डीएमई का कट ऑफ हाई जाता है ना कि डीएचएस का, ठीक है। तो डीएमई के लिए अगर आप करना चाहते तो आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, अगर डीएचएस में होता है तो आपको थोड़े कम मार्क्स में भी हो जाएगा, जिसका वीडियो मैं सेकेंड दूसरा बनाऊंगी, जब तक कि डीएचएस की काउंसलिंग का भी वीडियो में आपको बता दूंगी कि डीएचएस की कब हो रही है। देन उसके साथ में आपको कट ऑफ भी जरूर बता दूंगी कि डीएचएस में आपको कितना कट ऑफ लगेगा, ओके। सो जो ओबीसी का कट ऑफ होगा वो डीएमई के लिए समथिंग 80 to 85 मार्क्स जरूरी होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो इसमें आपको समथिंग 75 to 80 मार्क्स चाहिए है ताकि आप अच्छे से क्वालिफाइड हो पाए, डीएमई ये ज़्यादा मार्क्स लेता है, ठीक है। देन इसके बाद बात आती है एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपको 70 to 75 मैक्सिमम 80 भी हो सकता है, ठीक है,
तो 70 to 75 आपको मान के चल रहा है कि आपके आने ही चाहिए, ठीक है। कट ऑफ कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। देन इसके बाद हम आते हैं एसटी कैटेगरी पे। तो एसटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको 65 to 70 या 75 इसके बीच आपको चाहिए, यानी 65 to 75 आप मैक्सिमम मान के चल सकते हैं कि आपको इतना मार्क्स चाहिए है। जैसे कि अभी जो पेपर का जिस तरीके से अभी होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, देन जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने वाले वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि ये 2 साल से एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। और जो भी बचे हुए हैं, जिन लोगों के कॉलेज कम्प्लीट हो गया, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें जो कॉम्पिटिशन है थोड़ा टफ हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, और जो भी आपको मार्क्स निकालने हैं, लाइक आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है, आपको इन्हीं में से मार्क्स लेने हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बॉटनी और जूलॉजी, ये ऐसा टॉपिक होता है कि हमारा मेन टॉपिक होता है और इसमें मार्क्स हम ले लेते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है कि 30 मार्क्स में से मैक्सिमम आपके 20 एबो तो आए ही दोनों में, ठीक है। तो आपका जो अदर मार्क्स लेने का जो रहेगा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, इसमें आप थोड़े कम भी लेते हैं तो आपका परसेंट बहुत अच्छा बन जाएगा और आप क्वालिफाइड कर लोगे, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको डीएमई के कट ऑफ के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया है कि मैक्सिमम इतना जा सकता है, आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपके ऐसे मार्क्स आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी डीएचएस की कोई अता पता नहीं है कि डीएचएस कब आ रहा है, काउंसलिंग उसकी हो रही है, एग्जाम्स अलग से हो रहे हैं, तो आपको डीएमई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट जॉब ही है, तो मतलब ऐसा आपको जॉब चाहिए, आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कह रहे तो डीएमई है हम कैसे भी दे देंगे, डीएचएस के तो अलग से फॉर्म आएगा, तो इस तरीके से बिल्कुल भी मान के मत चलना कि डीएचएस के अलग से फॉर्म आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी टाइम चल रहा है ये बहुत रेयर है कि डीएचएस के अलग से फॉर्म आएंगे, काउंसलिंग हो ना हो इसमें हो ही जानी है, ठीक है। तो आप लोग डीएचएस और डीएमई दोनों को टारगेट करके पढ़ाई करें कि मेरा दोनों में से किसी एक में होना ही चाहिए, आपको ये नहीं सोचना है कि आप ओनली डीएमई का एग्जाम दे रहे हो, ये डीएचएस के लिए भी यही हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, डीएमई का कट ऑफ है जो थोड़ा हाई जाता है, डीएचएस का इससे लो जाता है, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है कि डीएचएस किस तरीके से क्या कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डीएचएस का भी आपको कट ऑफ वाला वीडियो जरूर बताऊंगी, ओके। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपके डाउट हो। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट नहीं किया है तो आप वहाँ जरूर जाएं, वहाँ देखें कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसे जरूर एक बार रीड कर ले, क्योंकि होना उसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही हैं, ओके। सो आप वहाँ जाके जरूर देख लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।